संसद अर्थात लोकसभा राज्यसभा विधानसभा विधान परिषद विधानसभा असंसदीय भाषा असंसदीय व्यवहार अर्थात लत्तम जुत्तम माइक गाली ग्लौज का इतिहास आज इस एपिसोड में सिलसिलेवार तरीके से यही बताने वाला हूं क्योंकि आज फिर बिहार विधानसभा में आरजेडी के एक विधायक और भाजपा के एक विधायक के बीच गाली गलौज और मारपीट तक की नौबत आई है दोस्तों रतन लाल बोल रहा हूं काम की बात में आप सबका स्वागत है और पेश है अंबेडकर नामा चलिए थोड़ा इतिहास में लिए चलता हूं कि जब डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा को देश को संविधान सौंप रहे थे उन्होंने जो भाषण दिया था नवंबर उन्नीस सौ में 1949 में उसमें डॉक्टर अंबेडकर ने क्या शंका जताई थी और क्या उन्होंने कहा था उन्होंने कहा था कि मेरी राय में संविधान भले कितना भी बुरा हो उसे लागू करने की जिम्मेदारी जिन पर है वे अगर ईमानदार हों तो संविधान अच्छे साबित होंगे इसी प्रकार संविधान भले कितना बुरा क्यों ना हो उसे लागू करने की जिम्मेदारी जिन पर है अगर वे ईमानदार हों, तो अच्छा ही साबित होगा संविधान पर अमल करना पूरी तरह से संविधान पर निर्भर नहीं करता संविधान राज्य के केवल कुछ हिस्सों को जैसे कि कानून मंडल कार्यकारी मंडल और न्यायपालिका को बनाता है इन विभागों विभागों का, का कार्य हमेशा लोगों पर और लोगों द्वारा निर्माण की गई राजनीतिक पार्टियों पर निर्भर रहने वाला है भारत के लोग और उनके राजनीतिक दल कब और किस प्रकार पेश आएंगे यह कोई कैसे बताए इसलिए भारतीय लोग और उनके राजनीतिक दल कैसे पेश आएंगे यह जाने बगैर संविधान के बारे में कोई निर्णय लेना निरर्थक होगा उसी तरीके से लंबा भाषण है छह पेज का कुछ अंश रेलेवेंट पोर्शन आपको सुनाता हूं फिर लिखते हैं कि जातियों और संप्रदाय के रूप में अपने पुराने दुश्मनों के साथ भिन्न और परस्पर विरोधी विचार प्रणाली वाले राजनीतिक दलों की भरमार होने वाली है इस वास्तविकता के बारे में मैं सोचकर कहीं अधिक चिंताग्रस्त हुआ हूं मैं नहीं जानता कि भारत के लोग अपने सिद्धांत से देश को श्रेष्ठ स्तर पर देखेंगे अथवा अपने सिद्धांत को देश से बढ़कर मानेंगे लेकिन एक बात पक्की है अगर पक्ष अपनी दल अपनी तत्व प्रणाली को देश से बढ़कर मानेंगे तो दोबारा आजादी गवाने का संकट आएगा ही और इस बार आजादी गवा बैठे तो वह हमेशा के लिए हाथ से जाएगी इस संभावना के खिलाफ लड़ने के लिए हमें कटिबद्ध होना है अपने खून की आखिरी बुंद तक अपनी आजादी की रक्षा का निर्धारण हमें करना ही होगा लंबा भाषण है और बहुत शानदार है कई बार मैं सार्वजनिक सभाओं में बोल चुका हूं लेकिन एक बात याद रखिए। अंबेडकर गांधी अंबेडकर नेहरू अंबेडकर सरदार पटेल इनके बीच गहरे मतभेद थे बहुत ज्यादा आक्रामक वैचारिक हमला डॉक्टर अंबेडकर करते थे जिस संविधान सभा में जिस संसद के अंदर थे परस्पर विरोधी विचारधारा वाले बहुत सारे लोग थे अंबेडकर की बनती नहीं थी लेकिन कभी भी पूरे राइटिंग हमने पढ़ा है कहीं भी असंसदीय भाषा अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज और असंसदीय व्यवहार अनपार्लियामेंट्री बिहेवियर का जिक्र नहीं आया है इसलिए यह संदर्भ का पढ़ना बहुत जरूरी था अब चलिए विधानसभाओं में क्या हुआ राज्यसभा लोकसभा में क्या हुआ कई दृष्टांत कई कहानियां आपके मेमोरी के लिए ताजा कर देता हूं सबसे पहले आज बिहार विधानसभा में क्या हुआ बिहार विधानसभा शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन और दो विधायक आपस में अचानक भिड़ गए नौबत हाथापाई तक की आ गई लेकिन बीच बचाव के बाद मामला शांत हुआ दरअसल शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले विधान परिषद में राजद विधायक भाई वीरेंद्र और बीजेपी विधायक संजय सरावगी के बीच कहा सुनी हुई दोनों विधायक आपस में बहस करने लगे बहस करते करते गाली गलौज की नौबत आ गई एक दूसरे को देख लेने तथा मारपीट करने की भी धमकी दे डाली वहां मौजूद लोगों ने और मीडिया कर्मियों ने उन दोनों को शांत कराया संजय सरावगी ने बड़ा गंभीर आरोप लगाया और कहा कि आरजेडी के संस्कार में ही गाली ग्लौज और मारपीट है लालू रावड़ी के शासनकाल में ये संजय सरावगी कह रहे हैं कि किस तरह से लोगों का अपहरण सत्या के सत्ता के संरक्षण में होता था यह किसी से छिपा नहीं भाजपा विधायक ने राजद विधायक पर शराब पीकर विधानसभा आने का आरोप लगाया इस पर आक्रामक हमला करते हुए भाई वीरेंद्र ने कहा है कि संजय सरावगी मिलावटी लोग हैं सरकार में भी ऐसे लोग ही शामिल हैं मिलावट का धंधा है ये सब सब लोग जानते हैं मैं उम्र में सीनियर हूं इसके बाद भी संजय सरावगी ने मेरे साथ बदतमीजी की यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता ये आज की घटना है बिहार विधानसभा की अब चलिए थोड़ा इतिहास में लिए चलता हूं कब कब क्या हुआ कौन विधायक अश्लील वीडियो देख रहा था विधानसभा मंत्री विधायक ने मंत्री विधानसभा के अंदर अश्लील सारी कहानी आज संजय में रखने वाला हूं चलिए उन्नीस उत्तर प्रदेश विधानसभा अयोध्या में विवादित ढांचा ढहने के बाद प्रदेश का माहौल बहुत गर्म था राजनीतिक सिर्फ वैचारिक मतभेदों की ना, किनारा रहकर परस्पर व्यक्तिगत मतभेदों तक जा पहुंची थी नाम भले ही कोई दिया गया हो लेकिन सियासत हिंदू और मुस्लिम हितसी खांचों में खांचों खाँच, में बढ़ चुकी थी वैचारिक विमर्श का स्थान व्यक्तिगत शत्रुता ने ले लिया था याद कीजिए उन्नीस पीछे फोटो भी आप देखते रहेंगे लोकतंत्र और संवैधानिक परंपराओं की मन मुताबिक परिभाषाएं कर एक दूसरे को निपटाने का काम हो रहा था भाजपा उस समय 117 सीट जीती थी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी थी लेकिन कांग्रेस ने सपा को समर्थन देने का ऐलान कर दिया था तो उन्नीस में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने सपा बसवा गठजोड़ से और इस मामले ने राजनीतिक तनाव को और अधिक बढ़ा दिया था मुलायम सिंह यादव 4 दिसंबर उन्नीस को दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे और कल्याण सिंह नेता प्रतिपक्ष थे धनी राम वर्मा विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा का सत्र शुरू हुआ तत्कालीन राज्यपाल मोतीलाल बोहरा ने 16 दिसंबर को जैसे ही सदन में अपना अभिभाषण शुरू किया भाजपा के सदस्य और पूर्व मंत्री राजेंद्र गुप्त ने नियम 311 के तहत कल्याण सिंह की गिरफ्तारी का मामला उठाने का प्रयास किया अध्यक्ष ने जब इसकी अनुमति नहीं दी तो भाजपा सदस्य कल्याण नहीं तो सदन नहीं इसका पूरा नारा लगाते हुए वेल में आ गए कागज के गोले अध्यक्ष की पीठ की तरफ फेंके जाने लगे राज्यपाल अभिभाषण पूरा नहीं पड़ सके विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यसूची की अगली मत पुकारी इस पर हंगामा और तेज हो गया शुरुआत जहां तक मुझे याद है कोई साथी करेक्ट करेंगे कि विधानसभा और किसी भी संस्था के इतिहास में पहली बार है कि भाजपा के सदस्यों ने वहां पे गोले कागज के माइक तोड़े थे सो इसी बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष मतलब समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच कहा सुनी हुई, हुई सदस्य मेजों पर लगे माइक तोड़कर एक दूसरे को मारने लगे पूर्व मंत्री और तत्कालीन सदन के विधायक डॉक्टर संजीत सिंह डंग ने कहा कि वह अपनी अटैची सिर पर रखकर खुद को बचा रहे थे बचा पाए। पत्रकार पत्रकार वरिष्ठ भट्ट बताते हैं कि प्रेस गैलरी में पत्रकारों ने भी किसी तरह खुद को बचाया और कहा जाता है कि कई विधायक अपने कमर में साइकिल का चेन बांध कर आए थे कुछ लोग वहां कांच तोड़कर उसका उसका हथियार बना रहे थे ये उत्तर प्रदेश विधानसभा उन्नीस अब आइए कर्नाटक लिए चलता हूं कर्नाटक में बीजेपी बी की सरकार थी 2012 की बात है और 7 फरवरी 2012 को कर्नाटक विधानसभा में कार्रवाई के दौरान असली वीडियो देखने के मामले में तीन भाजपा के मंत्री पकड़े गए और पार्टी के दबाव में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा इसमें कौन कौन थे यह भी सुन लीजिए सहकारिता मंत्री लक्ष्मण सावरी महिला एवं बाल विकास मंत्री सी सी पाटिल और बंदरगाह तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कृष्णा पालेमर सो इसमें जो सहकारिता मंत्री है लक्ष्मण ने उस समय भाजपा कार्यालय के बाहर जो कॉरेस्पोंडेंट जो पत्रकार थे उनसे बात करते हुए कहा था कि हम पार्टी और सरकार की अब किरकिरी नहीं चाहते हम सभी ने मंत्री पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है। याद कीजिए कि विधायक मंत्री विधानसभा में बैठ के मोबाइल फोन लेकर उस समय देख रहे थे अश्लील वीडियोस विधानसभा के अंदर यह भी भाजपा का ही शासनकाल का मामला है और भाजपा मंत्रियों का ही मामला है चलिए अब चलते हैं फिर आपको लिए चलते हैं कर्नाटक ये है पंद्रह दिसंबर दिसंबर 2020 का कि 9 दिसंबर को कर्नाटक विधानसभा में येदुरप्पा सरकार ने गौ हत्या निरोधी निरोधक विधेयक पास किया था उस दौरान सदन में भारी हंगामा हुआ कांग्रेस के विधायक सदन की कार्रवाई छोड़कर चले गए वहीं जब बिल सदन में पेश किया गया तो उसके बाद पशुपालन मंत्री प्रभु चौहान ने विधानसभा परिसर में गाय की पूजा की और इसी दौरान अन्य मंत्री भी वहां मौजूद थे गोरक्षा कानून पर चर्चा के दौरान कर्नाटक विधानसभा में हंगामा हुआ और देखते देखते बात हाथापाई पर पहुंच गई कांग्रेस एमएलसी ने जबरदस्ती विधान परिषद के अध्यक्ष को कुर्सी से नीचे खींच लिया आलम यह हो गया कि संसद में मार्शल बुलाने पड़े काफी कोशिश के बाद स्थिति को नियंत्रण में किया गया कर्नाटक गो हत्या निरोधक कानून और मवेशी संरक्षक विधेयक 2020 के नाम से जाना जाता है और इस विधेयक के अनुसार कर्नाटक में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने और तस्करी अवैध परिवहन गायों पर अत्याचार और गौ हत्या करने वाले पर कड़ी सजा का प्रस्ताव रखा गया है भारी हंगामे के बीच बिना चर्चा के इस प्रस्ताव को इस बिल को पास कर दिया गया है। इस बिल में गौ हत्या पर एक पशु के लिए पचास हजार से दस लाख रुपए तक जुर्माना और तीन से सात साल की सजा का प्रावधान है दूसरे प्रोविजन के लिए मवेशी संरक्षक विधेयक इसके लिए तीन से पांच साल की सजा और पचास हजार से पांच लाख रुपए तक जुर्माना का प्रावधान किया गया है अब आइए लिए चलते हैं अभी अभी हाल में इसी साल जुलाई में महाराष्ट्र विधानसभा में क्या हुआ महाराष्ट्र विधानसभा मा, में मानसून जुलाई की बात है अभी 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 जुलाई में भाजपा विधायकों ने वहां हंगामा शुरू किया मुद्दा था निकाय चुनाव में आरक्षण विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव जल्द करवाने एमपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा के लिए समिति गठित करने मराठा आरक्षण और किसानों के मुद्दे पर ये तमाम मुद्दे थे जिस पर बीजेपी विधायक ने जमकर प्रदर्शन किया वे विधानसभा की ये भी बीजेपी ही विधायक है लाइन से अभी सीरीज में वही आ रहे हैं देखते हैं आगे कौन कौन आते हैं विधान भवन की सीढ़ियों पर बैठकर भाजपा विधायक लगातार नाराबाजी करते रहे और करीब आधे घंटे बाद सदन में दाखिल हुए सदन में दाखिल होने के बाद भी भाजपा विधायकों ने नारेबाजी की और एक मौका ऐसा भी आया जब वो कार्यवाहक विधानसभा अध्यक्ष भास्कर जादव के सामने सत्ता पक्ष के कुछ विधायकों से भिड़ गए मामला इस कदर बढ़ा कि मौके पर मार्शल बुलाना पड़ा। आरोप है कि इन विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष के साथ धक्का मुक्की और गाली गलौज भी की इस घटना को लेकर भास्कर जादव ने सदन में नाराजगी जताई और संसदीय कार्य मंत्री अनिल परम ने 12 भाजपा विधायकों को निलंबित करने का प्रस्ताव पेश किया यह प्रस्ताव बहुमत से पास हो गया और भाजपा विधायक बारह विधायकों को साल भर के लिए सस्पेंड कर दिया गया जो विधायक हैं उनके नाम हैं पराग अलवानी राम सतपुते संजय कुटे आशीष सेलार अभिमन्यु पवार गिरीश महाजन अतुल भटकलकर शिरीष पिंगले जय कुमार रावल योगेश सागर नारायण कुचे और कृति कुमार भंगड़िया ये शामिल है तो ये विधानसभाओं के कुछ इतिहास हमने बताए अब चलिए आपको लिए चलते हैं भारतीय संसद लोकतंत्र लोकशाही का टेम्पल जिसको कहा जाता है भारतीय संसद के अंदर क्या क्या और कब कब हुआ कुछ प्रमाण में आपके सामने रखने जाना, जा रहा हूं यूपीए वन याद कीजिए मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे लालू प्रसाद यादव उस समय रेल मंत्री थे और उसी समय आरजेडी के सांसद साधु यादव और जेडीयू के सांसद प्रभुनाथ सिंह के बीच गर्मा गरि बहस और मारपीट की नौबत आई थी टीवी पे हमने देखा था सो इस विवाद की शुरुआत बिहार में रेप की एक घटना के उल्लेख से हुई तमतमाए हुए साधु यादव प्रभुनाथ सिंह की ओर घुसा तानते हुए बड़े थे आ, कुछ सदस्य उस समय बीच में आए थे जिससे उन्हें घुसा नहीं लगा सदन में ऐसी अब शब्द भी इस्तेमाल हुए और कौन कौन उसमें लोग रहे हुए प्रोसीडिंग देखने पर पता लगा कि ऐसे शब्द भी इस्तेमाल हुए जिसे असंसदीय भाषा कहा जाता है और अध्यक्ष ने अपनी कार्रवाई से उस शब्दों को उसमें निकाल दिया सो इस घटना के बाद अगर आपको याद हो तो प्रभुनाथ सिंह ने इस्तीफा का ऐलान कर दिया था लोकसभा से जिसे लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी समय उन्होंने स्वीकार नहीं किया इसके पहले इससे पहले लालू यादव ने कहा कि मैं अपनी पार्टी के सदस्यों के व्यवहार पर माफी मांगता हूं लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हम चूड़ी पहनकर नहीं आए हैं यहां कोई अपमानित होने नहीं आया है यह सदन उत्तर प्रदेश विधानसभा बन जाएगा लोकसभा की बात हो रही है अभी चलिए थोड़ा और बैकग्राउंड बताता हूं क्या हुआ था घटना की शुरुआत तब हुई जब शून्यकाल में बिहार के लखीसराय में दलित महिलाओं के साथ कथित बलात्कार की घटना का जिक्र करते हुए प्रभुनाथ सिंह ने आरा की एक घटना का उल्लेख किया और कहा कि उस घटना में शामिल आदमी अपने आप को लालू यादव का रिश्तेदार बता रहा है बात कुछ और बढ़ी जिसके बाद सदन स्थगित कर दिया गया था लेकिन सदस्य बाहर नहीं आए इस बीच साधु यादव प्रमरान सिंह के आक्रामक मुद्रा में बढ़े और झगड़ा मुक्का उक्का चलाने की कोशिश की पीछे से बीजेपी के ब्रिजभूषण सिंह और अन्य सांसदों ने मुझे रोकथाम की उनका हाथ पकड़ लिया इस दौरान आरजेडी और जेडीयू के सांसद रिपोर्टर टेबल को घेर कर खड़े हो गए और उसके खिलाफ बोलते रहे स्क्रीन पर फोटो देखते चलिएगा और दिखाते चल रहा हूं उस समय संसदीय कार्य मंत्री प्रियरंजन दास मुंशी ने बीच बचाव करने की कोशिश की और लालू यादव के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें शांत रहने और मनाने की कोशिश की अध्यक्ष द्वारा तकरीबन सवा बजे की कार्य दो बजे दो तक स्थगित करने की घोषणा की गई तब भी सदस्य आधे घंटे तक सदन के अंदर ही बैठे रहे और इस अशोभनीय व्यवहार पर चर्चा करते रहे इस दौरान गाली गलौज और गाली गलौज का गर्मा गर्म माहौल बना, बना रहा दो बार स्थगन के बाद जब तीन बजे संसद की कार्रवाई शुरू हुई तो सदस्यों के चेहरों पर एक तनाव था सभी को आशंका थी कि पता नहीं अब क्या होने वाला है आशंका उस समय और बढ़ गई जब अध्यक्ष के समझाने बुझाने और मुद्दे को आगे नहीं बढ़ाने की अपील के बाद लालू यादव बोलने के लिए खड़े हुए उन्हें बिठाने का प्रयास किया गया था लेकिन उन्हें बोलना शुरू किया सांसदों के चेहरे पर उस समय थोड़ी राहत की मुस्कान नजर आई जब लालू यादव ने अपने पार्टी सांसद के व्यवहार पर मा, माफी मांगी लेकिन उनके बैठते ही जब प्रभुनाथ सिंह कुछ बोलने के लिए खड़े हुए तो संसद की रंगत फिर बिगड़ गई और दास मुंशी ने बीजेपी के उस समय सांसद थे विजय कुमार मल्होत्रा से कहा कि अपने सदस्यों से बैठ जाने का अनुरोध करें कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य भी वहां पे बीच बचाव कर रहे थे और यह घटना आपको याद होगा अब आइए कुछ और घटना पे लिए चलता हूं यह मैंने 2006 का बताया अब आइए 2008 हजार आठ में लिए चलता हूं आपको याद होगा था परमाणु समझौता बिल अमेरिका के साथ आया था कि इस मुद्दे पर वामपंथी दलों ने समर्थन वापस ले लिया था सरकार से जिसके बाद मनमोहन सरकार को अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा था मनमोहन सरकार ने विश्वास मत जीत लिया था और इस दौरान भारतीय संसद के अंदर एक शर्मसार घटना घटी थी आपको याद होगा तो भाजपा के तीन सांसद नोटों का बंडल लिए हुए संसद के अंदर घुसे थे और उन तीन सांसद का नाम मैं बता रहा हूं अशोक अरगल फग्गन सिंह पुलस्ते और महावीर भोगरा ये तीनों राजस्थान के हैं गड्डिया लेकर स्पीकर के सामने पहुंचे थे नोटों की गड्डी उन्होंने आरोप लगाया था कि यह रकम उन्हें विश्वास मत के लिए मतदान करने के लिए दिया गया था पूरी जनता हम लोग भी देखे थे उस घटनाक्रम को बहुचक्की रह गई रह गई थी और जो टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी वो शर्मसार हुई थी तत्कालीन लोकसभा स्पीकर सोमनाथ चटर्जी ने इस घटना को भारतीय संसद के इतिहास की सबसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना करार दिया था 2008 लिए जा रहा हूं अब आपको लिए चलता हूं 2009 में क्या हुआ था आइए 30 नवंबर 2009 की सुबह ग्यारह बजे पहली बार संसद में प्रश्नकाल को रोकना पड़ा और मामला क्या था जरा देखिए कि सांसदों की गैर हाजिरी हा, हाज 38 सांसदों ने सवाल पूछने की अर्जी लगाई थी सभी सांसदों को वो नोटिस पहले भेज दिया गया था और जब सवाल पूछने की बारी आई तो सिर्फ चार सांसद वहाँ पर मौजूद थे चूंकि सांसद थे ही नहीं इसलिए सवाल कौन पूछता इसलिए पहली बार संसद के इतिहास में प्रश्नकाल को रोकना पड़ा अब आइए 2010 में क्या हुआ वो भी फोटो देखिए अब्दुल हमीद अंसारी उस समय राज्यसभा के अध्यक्ष थे 2010 में महिला आरक्षण विधेयक संसद में आया था और उसकी मुखालफत कर रहे थे आरजेडी के और समाजवादी पार्टी के लोग हामिद अंसारी के हाथ से वो बिल की कॉपी की छीना झपटी हुई उनकी प्रतिया फाड़ दी गई यह भी एक तरह का काला अध्याय है संसदीय व्यवहार का दरअसल बात यह हुई थी कि महिला दिवस के दिन कांग्रेस नेता और उस समय के पूर्व मंत्री उस समय के उस समय के मंत्री कानून मंत्री उस समय के कानून मंत्री वीरप्पा मोइली ने जैसे ही आरक्षण बिल को सदन के पटल पर रखा विधेयक का विरोध कर रहे और आरजेडी और सपा सांसद सभापति हामिद अंसारी के चेयर तक जा पहुंचे उस समय थे आरजेडी के सुभाष यादव और राजनीति प्रसाद प्रसाद और सपा सांसद कमाल अख्तर प्रतियां छीनी और फाक उड़कर फेंक दिया अब आइए 11 में ग्यारह लोकपाल बिल आपको याद होगा अन्ना हजारे बाबा आजकल कहा है पता नहीं है कुछ सो रहे हैं लगता है जब कोई और पार्टी शासन में आएगी तब बाबा फिर नींद से जगेंगे तो 2011 के शीतकालीन सत्र में संसद से एक मजबूत लोकपाल बिल की उम्मीद थी लेकिन इस बार भी एक नई घटना घटी बहस के बाद रात में 12 बजे सरकार के लोग वोटिंग से भाग गए और तर्क दिया कि सदन में सिर्फ तीन दिन के लिए कार्रवाई की गई थी इसलिए 12 बजे के बाद इस पर वोटिंग नहीं नहीं हो सकती 12 बजे के बाद इस संसद को नहीं चलाया जा सकता इसके पहले राजद सांसद राजनीति प्रसाद ने लोकपाल विधेयक की प्रतियां फाड़ दी थी संसद के पटल पर उछाल दिया था उसके बाद लोकपाल बिल कहां गया ठंडे बस्ते में गया सब पता ही आप अब आइए आपको ले चलते हैं पिछले साल नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट 2020 तीन कृषक कानून सितंबर 2020 में तीन बिल लेकर किसानों के कृषि से संबंधित बिल लेकर मोदी सरकार आई थी लोकसभा में सरकार ने आसानी से इस बिल को पास करा लिया था और राज्यसभा में जब इस कानून को पेश किया गया तो विपक्ष इसका विरोध करने लगे ऐसे में सदन में जमकर हंगामा हुआ विपक्षी सदस्य से उपसभापति हरिवंश सिंह के आसन के चेयर तक चले गए जिसके चलते संसद में मार्शल बुलाना पड़ा राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने विपक्षी दल के आठ राज्यसभा सदस्यों को अनुशासनहीनता में निलंबित कर दिया था इसके बावजूद जो निलंबित सांसद थे संसद के बाहर लॉन में चादर बिठाकर बिछाकर बैठे रहे और कृषि बिल का विरोध करते रहे विपक्ष ने आरोप लगाया था कि बिल को पास करने के लिए लोकतंत्र को शर्मसार किया गया है और मार्शल का सहारा लिया गया है दो दिनों तक राज्यसभा के सदस्य संसद में धरने पर बैठे रहे तो ये आपको लेटेस्ट बीज का है अब चलिए 2021 अगस्त इसी साल इस साल संसद का मानसून सं, सत्र हंगामे की भेंट चढ़ा सत्र के आखिरी दिन जो हुआ वह देश और लोकतंत्र के लिए बेहद शर्मसार कर देने वाला था राज्यसभा में इंश्योरेंस बिल पेश किए जाने के दौरान संसद में जमकर हंगामा हुआ और हाथापाई की गई मार्शल बुलाने की नौबत आ गई सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाते रहे संसद ये अभी लेटेस्ट आपको बता रहा हूं अगस्त 2021 का निर्मला सीतारामन जानते हैं फाइनेंस मिनिस्टर हैं इन्होंने जनरल इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल राज्यसभा में पे पेश किया था जिस पर जमकर हंगामा हुआ था और विपक्षी दल के कुछ सदस्य मेज पर चढ़कर जोरदार नारेबाजी वा, नारे करने लगे कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा डेस्क पर चढ़कर काला कानून वापस लो का नारा लगाते हुए उन्होंने आसन की ओर रूल बुक फेंक दी चेयर की ओर रूल बुक फेंक दी मार्शल बुलाने की नौबत आई और सभा को स्थगित करना पड़ा इस पर वेंकैया नायडू ने जो कहा था आपत्ति जाहिर करते हुए कहा था कि ये इतनी आचरण जो है अभद्र है कि रात भर मुझे नींद नहीं आई उस पर विपक्ष कि नेताओं ने सरकार पर लोकतंत्र की हत्या करने और बाहर के मार्शल के वेश में लोगों को बुलाकर महिला सांसदों के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया था एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि मैं पचपन साल से संसद में हूं लेकिन उन्होंने संसद में इस तरह के दृश्य कभी नहीं देखे कांग्रेस पार्टी के मुख्य सचेतक जयराम रमेश का कहना था कि यह सब कुछ सरकार के सरकार ने जनरल इंश्योरेंस बिल को जबरदस्ती पारित कराने के लिए किया था वो कहते हैं कि विपक्ष वो कह, कह रहे थे कि विपक्ष इस बिल को संसद की सिलेक्ट कमेटी में भेजना चाहती थी मांग कर रहा था लेकिन सरकार ने नहीं भेजी मतलब तानाशाही की सरकार ने तो ये कुछ मामले हैं आप देखिए क्या क्या हो रहा है संसद में विधानसभाओं में वैचारिक भिन्नता अलग बात है मारपीट गाली गलौज जहां पे लोग कानून बनाने जाते हैं संसद और विधानसभाओं में ठीक नहीं लगता मारपीट में चोट भी लगता है और गाली गलौज करने में थोड़ा सा अपमानित भी महसूस करता है थोड़ा व्यवहार संसद की गरिमा पिछले सात दशक में किस स्तर तक गिरी है इस पर भी भारत के समाज के लोगों को सोचना पड़ेगा मैं जैसे पढ़ रहा हूं अम्बेडकर मैं भाषण में देखता हूं कि तरह तरह के अंबेडकर की आलोचना करने वाले भी बहुत सारे लोग थे अंबेडकर अकेले सब की आलोचना करते थे वैचारिक अटैक करते थे लेकिन कभी किसी ने अभद्र भाषा के का उपयोग नहीं किया अभद्र व्यवहार नहीं किया शुक्रिया कीप वाचिंग एंड शेयरिंग अंबेडकर नामा अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलता हूं शुक्रिया जय भिंद